भाई इतनी खतरनाक क्वालिटी तो मदर की भी नहीं है जितनी की डॉटर है जिसे आप लोग देख रहे हैं। भाई आप लोग यकीन नहीं करोगे कि ये ऐना की बच्ची है। जी हाँ गाइस, आप लोग इसकी क्वालिटी देखिए, इसका एंगुलेशन देखिए और इसका कलर देखिए, भाई लाजवाब है। और सिर्फ इतना नहीं, इसके बारे में कुछ और भी इंटरेस्टिंग बातें हैं जो कि मैं आप लोगों को आगे वीडियो में बताऊंगा। तो जो लोग मुझसे काफी टाइम से जुड़े हैं वो बहुत ही अच्छे से जानते हैं कि ऐना जो है वो मेरी जर्मन शेफर्ड है जिसकी हाइट 27 इंचेस है। तो भाई लोगों को वो काफी पसंद भी आती है और उसके बच्चों के लिए हमेशा मेरे पास कॉल आती रहती है कि भाई हमें ऐना के पपीज चाहिए। तो फिलहाल तो मेरे पास अवेलेबल नहीं है, बट ये फीमेल अवेलेबल है। और शायद आप में से मोस्ट लोगों को पता भी होगा कि जिस मेल से मैं अपनी फीमेल की मैटिंग कराता हूँ वो यूरोलाइन से है। तो ये यूरोलाइन की फीमेल है, बट ये केसी रजिस्टर्ड नहीं है क्योंकि मेरी जो फीमेल है भाई वो नॉन केसी आई है। बाकी गाइस इसे देखकर मैं खुद शॉक्ड हूँ कि ये लीटर में थोड़ी कमजोर फीमेल थी और इसकी क्वालिटी ऐसी है। तो अब जो मैंने पपीज सेल किए थे तो उनकी क्वालिटी कैसी होगी यार। वैसे इस फीमेल के अलावा उनके पास एक और जर्मन शेफर्ड अवेलेबल है और वो मेल है और वो केसी रजिस्टर्ड है। तो उसके बारे में मैं आप लोगों को आगे वीडियो में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आप लोगों को बताना चाहूंगा कि भाई ये जो जर्मन शेफर्ड है ना ये प्रेग्नेंट है। वैसे गाइस अगर इसकी मैटिंग टाइम के बारे में बात करें तो फीमेल की मैटिंग कराई आज 33 डेज हो चुके हैं, बट भाई इस चीज के बारे में जरूर कंफर्म कर लें कि फीमेल शो हो रखी है या फिर नहीं। तो फीमेल बिल्कुल फ्रेंडली है, उन्होंने सभी वैक्सीनेशन कंप्लीट करा रखे हैं काफी डार्क कलर में और ब्लैक मास्क में जो कि मोस्टली लोगों का फेवरेट होता है। बाकी गाइस ये आप लोगों के लिए काफी अच्छा मौका है ऐना की डॉटर को परचेज करने का। वैसे फीमेल लॉन्ग कोट में है और अगर इसके प्राइस के बारे में बात करें तो भाई उन्होंने जो इसके प्राइस की डिमांड की है वो 24,000 पीस यानी 24,000 रुपए। एंड मेक श्योर फीमेल जो है ये प्रेग्नेंट है। तो गाइस अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट जर्मन शेफर्ड के बारे में। तो ये देखिए गाइस, ये है वो जर्मन शेफर्ड और ये भी बहुत ही अच्छी क्वालिटी में है। और इसमें आप लोगों को दो अलग अलग ऑप्शंस मिल जाएंगे। वैसे तो मैं बता ही चुका हूँ कि केसी रजिस्टर्ड है, तो अगर आप लोग इसे परचेज करना चाहते हो तो परचेज भी कर सकते हो, या फिर अगर आप लोग अपनी फीमेल की मैटिंग कराना चाहते हो तो वो ऑप्शन भी अवेलेबल है क्योंकि उन्होंने इसको एज ए स्टड सर्विस के लिए भी रखा है। जो स्टड सर्विस का चार्ज है वो भी काफी कम है। वैसे गाइस अगर इसके पेपर्स के बारे में बात करें तो ये जो आप लोग देख रहे हैं ये इसके केसी पेपर्स है। उन्होंने इसकी ब्लड लाइन के बारे में तो कुछ मेंशन नहीं करा, बट वो चीज आप लोगों को पेपर्स पर मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स अगर आप लोग इंटरेस्टेड है अपनी फीमेल की मैटिंग इस डॉग के साथ कराने के लिए तो आप लोगों को बता दूं कि उन्होंने जो इसके मैटिंग चार्ज की डिमांड की है ना वो किया जस्ट 6,000 पीस यानी सिर्फ 6,000 रुपए। तो फ्रेंड्स अगर इस जर्मन शेफर्ड की एज के बारे में बात करें तो 2.5 साल का हो चुका है और ओनर की जो लोकेशन है वो है कापासेडा बॉर्डर दिल्ली NCR से। एंड डिलीवरी की बात करें तो उन्होंने इस बारे में कुछ भी मेंशन नहीं कर रखा कि वो आप लोगों को डिलीवरी प्रोवाइड करा पाएंगे या फिर नहीं, तो इस बारे में आप लोग डिस्कस कर लें तो ज्यादा बेटर है। बट मैं तो आप लोगों को यही कहूंगा कि एडल्ट डॉग्स को परचेज करते टाइम आप लोग डायरेक्ट जाकर ही परचेज करें, क्योंकि जब आप लोग डायरेक्ट जाओगे ना तो टेम्परामेंट के बारे में अच्छे से कन्फर्म हो जाएगा। बाय द वे गाइस उन्होंने इसकी भी वैक्सीनेशन कंप्लीट करा रखे हैं और जो पेपर्स है ना वो आप लोगों को हैंड टू हैंड मिल जाएंगे। और फाइनली अगर इसके प्राइस के बारे में बात करें तो डॉग एक्सीलेंट क्वालिटी में और एंगुलेशन भी है, तो उन्होंने जो इसके प्राइस की डिमांड की है वो भी 24,000 पीस यानी 24,000 रुपए। तो इस प्राइस में आप लोग चाहे ऐना की डॉटर को परचेज करो या फिर इस जर्मन शेफर्ड को, दोनों का प्राइस सेम है। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई, तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें। तो मिलता हूं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। सो टेक केयर एंड बाय बाय।